हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं, यहां पर बहुत सारे डेट एक ही बार में जनरेट हो गए हैं। तो ये डेट मैं कैसे लेकर के आया, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने इस्तेमाल की है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ नाउ का फॉर्मूला लगा लेता हूँ ताकि आज की करेंट डेट और टाइम यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। अब कर्सर को आपको यहीं पे रखना है और यहाँ पर रखते हुए Alt H F I S प्रेस करना है। जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे एक आपके सामने नई विंडो ओपन होगी, वो है सीरीज की विंडो। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर कॉलम पे टिक कर देना है। कॉलम पे जैसे ही टिक करेंगे और यहां पर डेट पे ही टिक रखना है, ठीक है। और यहां पर आना है, यहां पर ध्यान रखिएगा डे रहेगा। और यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर मैं कर देता हूं 1/7/2022, ये लिख दिया हमने। और ध्यान रखिएगा कि आपका यही चीज सेलेक्ट रहना चाहिए, ये जो नाउ का फॉर्मूला आपने यूज किया यही सेलेक्ट रहना चाहिए। और यहां से ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा तो एक घटा करके बाकी सारी डेट अपने आप जनरेट हो जाएंगी विद टाइम, सेम टाइम के साथ ये जनरेट होती चली जाएंगी। डेट अलग अलग होगी, देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ डेट का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर डेट लगाया हमने, ये डेट फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे पहले ईयर डालना है, 2022 कर दिया मैंने, यहाँ पर मंथ कर देते हैं 6 और यहाँ पे डेट कर देते हैं, आज की डेट डाल देता हूँ मैं, तो आज डेट है 22, तो ये 22 डाल दिया, एंटर किया तो यहाँ पर ये आ चुका है, देख सकते हैं। अब फिर वही Alt H F I S प्रेस कीजिए और उसके बाद यहाँ से कॉलम कर दीजिए और यहाँ पर वो डेट डाल दीजिए, लाइक यहाँ पर मैं 10/7/2022 कर देता हूँ और यहां पर क्या करता हूँ, अब ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही ओके करूंगा तो ये देख सकते हैं ये डेट जो है अलग अलग आई हुई है, यहाँ पर उसके हिसाब से मंथ भी चेंज हो गया है। तो कैसी लगी ये डेट इंसर्ट कराने की ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।